महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था आणि अशासकीय संस्थांतर्फे जागतिक एड्स दिनानिमित्त शहरातून एड्स जनजागृती रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था आणि अशासकीय संस्थेतर्फे जागतिक एड्स दिनानिमित्त शहरातून काढण्यात आलेल्या एड्स जनजागृती रॅलीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी PL सोरमारे यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. होऊन सारे एकसंघ करूया HIV चा प्रतिबंध अशा घोषणा देत ही रॅली मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर पोहोचली. रॅली दरम्यान कलापथकानं ठिकठिकाणी एड्स जनजागृतीपर पथनाट्य सादर केले. NCC नर्सिंग कॉलेज वरिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी रॅलीत सहभागी झाले होते. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर GM गायकवाड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर चंद्रकांत म्हस्के, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी भीमाशंकर जमादार आणि इतर मान्यवर रॅलीत सहभागी झाले होते. इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जनजागृति करना और जो बाधित है उनको भी उनका न्यूनगण निकालना, उनको सोसाइटी में समाज में अपने साथ सबको लाना है. उनको अगर कुछ बाधित ट्रीटमेंट करके अच्छे हो सकते ये भी उनको मालूम होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए. एड्स अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है. WHO का प्रेरित प्रोग्राम है और इसमें जो भी इन्फेक्शन होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, मोस्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है. तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए और इसका जो इन्फेक्शन है एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होना चाहिए. और अपन को ये जो इन्फेक्शन रेट है वो जीरो प्रिवेलेंस रखने का है. इसके लिए ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है. पिछले 19-20 साल से हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं. मेरा सबको आह्वान है कि आप सब लोग इसको सहयोग दें, इसमें सहयोग दें और ये इन्फेक्शन 0% कैसा रहे इसके लिए कोशिश करें. अपने तरफ जो भी एड्स के पेशेंट्स है उसके लिए ERT सेंटर यहाँ मेडिकल कॉलेज में है और लिंक ERT सेंटर वैजापुर है, पैटन है और गंगापुर है, इन तीन जगहों पर है. सबको हम ट्रीटमेंट देके उनको सर्वसामान्य आदमी की तरह जिंदगी कैसी जिए जाएगी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं. मुझे मेरी आपसे भी निवेदन है, आपसे भी विनंती है, ये सबको ये संदेश फैलाए कि एड्स बाधित लोगों को समाज से दूर न रखे, उनको मुख्य धारा में लाया जाए और सबके साथ जो सर्वसामान्य आदमी के साथ बर्ताव किया जाएगा. जो भी पेशेंट्स रहेंगे उनको सिर्फ HIV बाधित है बोल के किसी हॉस्पिटल में उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है. इसमें अगर कुछ कंप्लेंट रहे तो हमारे पास जरूर पहुंचा दीजिए, हम उसके लिए जो जरूरी कदम अवश्य उठाएंगे और सबके साथ न्याय किया जाएगा और ये इन्फेक्शन 0% रहेगा. इसलिए हम हमेशा के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे.